आइए ले चलते हैं आपको भारतीय रेलवे के द्वारा उठाए गए सराहनीय प्रयास की उस सफर पर जिसके अंतर्गत वीरान पड़े मधुबनी स्टेशन का विराट रूप में कायाकल्प हुआ। Station has become a very big challenge for us. Madhubani, अभी तक हमने last report में देखा था कि हमारे 407 stations की जो list थी A1 और A-class की, उसमें almost bottom पे है। पर हम ऐसा कुछ करें कि Madhubani painting station पे आ जाए, station भी improve हो जाए। भाई ENHM के भाई दिलीप, आप इसमें कुछ सोचिए। और मेरे कुछ officer मेरे से करना था, आप तो वहाँ के भी हैं। आप तो कुछ ऐसा करें यार कि वहाँ के लोकल आर्टिस्ट को कुछ टाइप करो उसके। हमारा कंसेप्ट केवल ये है कि मधुबनी पेंटिंग देखते ही लोगों को लग जाए कि यस मधुबनी स्टेशन आ गया। यू ऑल प्लीज वर्क इट आउट कि हम लोग स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत इसको शुरू करें और इसको पूरा शेप में ले आए। इसके गणना चूँकि लोकल ऑफिसर है, फाइनेंस के भी हैं, पूरा सपोर्ट आप लॉजिस्टिकली साइड पर आप देखेंगे, ओवरऑल ये संभालेंगे। स्वागत सुआगत सुआगतियो पांव। एटा हमर दोस्त के नानी माँ के देखियन लिखित पढ़ित विवाह दान में कोबर देहर अरिपन मिथिला पेंटिंग अही से शुरू भेल छे। पहिने ई भित्त चित्र छलैया, तकर बाद एकरा से पट पर आनल गेलैया या कागज पर कपड़ा पर आनल गेलैया। पहिने विवाह दान उपनयन मुड़न संस्कार सब में बनायल जाय छलैया। वह देख कर पीढ़ी दर पीढ़ी लोग अपन घर में अपन माय दादी नानी से सीख कर सब अपन घर भर बनबै छै। मधुबनी स्टेशन पर हमरा सबके पहिल मौका भेटल, सब कलाकार अपन अपन कला के देखबिए। एते कलाकार एक ठाम आज तक कहियो ना हम सब काज केने छलौं हैं। सबसे पहले हम रेलवे को बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। पहले 10 मर्द के सामने महिला का हाथ थर थर आने लगता था वर्क करने से, और यहाँ 100, 200, 500, 1,000, 1,00,000 पब्लिक जाते हैं, मर्द जाते हैं, उसके सामने खड़ा होकर के ऊपर में काम महिला करती रहती थी और उसका जरा भी हाथ डगमगाया नहीं। अब हम लोग कहीं भी काम कर सकते हैं जाके, जो यहाँ पे कोई भी बिचौलिया उचौलिया का कोई इसमें धंधा नहीं है। मेरा अलग से समझिए कि एक गैलरी होता है, पेंटिंग गैलरी, उस टाइप से हमको यहाँ मिल गया है। क्योंकि नाम लिखने का, फ़ोन नंबर, एड्रेस, सारा चीज़ अपना लिखे हैं। किसी को भी पेंटिंग लेना होता है तो यहाँ से हमको कॉन्टेक्ट कर, हमको पेंटिंग चाहिए, हम बुलाते हैं और डायरेक्ट ले जाते हैं। लेकिन हमरा बहुत खुशी भेल जे एहन काज भऽ रहल छै एहिठमन। जापानमे एकर म्यूजियम बनल छलै आओर हमरा मिथिलाञ्चलमे अखन तक एहि चीजके प्रचार प्रसार नहि छलैए, से काज रेलवे स्टेशन कऽ देलखिन, पूरा विख्यात भऽ गेलै। आओर आबयवला 10 सालमे जहिना 10 साल पीछा छलै से 10 साल ई आगू बढ़ि गेलै। 7,000 square feetमे एतऽ भेलै। एहिके लेल बहुत बहुत हम रेलवेके धन्यवाद दै छियनि। एहिठमन नारी जे छलै से बहुत पहिलेसँ घूँघटमे रहयवला छलै, से उभरि कऽ आइके डेटमे बहुत विख्यात भऽ गेलै। अगल बगल वाले भी लोग बोलते थे कि मिथिला पेंटिंग नहीं करना चाहिए मुस्लिम लोगों को, ये सब हिंदू का चीज़ है, मगर हमको अच्छा लगता था इसीलिए करता। समाज के कई लोगों ने मेरे माता पिता को भड़काया कि लड़कियों को मिथिला पेंटिंग करने के लिए क्यों भेज रहे हैं, मगर मेरे माँ बाप ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मैं चाहती हूँ कि मैं भी MF हुसैन की तरह एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट बनूँ। देखने वाले तो दीवार समझते, लेकिन हम लोग कलाकार दीवार समझ के नहीं, कैनवास समझ के काम किए हैं। अभी हम लोग पेंटिंग कर दिए हैं तो यहाँ कोई थूक था कि इधर उधर कोई नहीं फेंकता, एकदम स्टेशन साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। और पहले ऐसा था कि इधर कोई थूक फेंकता है, कोई इधर पेशाब करता है, कोई इधर कुछ करता है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी बहुत साफ सुथरा हो गया है। मेरा बचपन मधुबनी में ही बीता है और मैं तकरीबन 4 साल के बाद में मुंबई से आ रहा हूँ। मधुबनी पेंटिंग देख के मैं बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हूँ और ये मेरे लिए सुखद आश्चर्य की तरह है। और मैं क्या बताऊँ, चारों बगल अद्भुत अद्भुत पेंटिंग का नज़ारा है,
मेरे पास सब नहीं है, मैं बस देखने में लगा हूँ सर कि ये कितना अच्छा हो गया ये अपना रेलवे स्टेशन। हम लोग इस बात को लेके गदगद हैं कि रेलवे ने इतना इनिशिएटिव लिया है कि सारी दुनिया हमारी पेंटिंग्स देख पा रही है। हम लोग पूरा सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं और लोगों को समझ में आ रहा है कि हमारी जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनमें कला कूट कूट के भरी हुई है। यही कहूँगी कि इस इनिशिएटिव से जो लोग डायरेक्ट कांटेक्ट आर्टिस्ट से कर पाते हैं, जिसकी वजह से आर्टिस्ट लोगों को पता चला कि लोग उनके कला के कद्रदान हैं। Railway has done a brilliant job. This is what they call a master stroke to get the artist the platform that they truly deserve and to give them the amount of opportunities that might await them, because railway station here, there might be a lot of different people who will be coming to Madhubani, leaving Madhubani, and there cannot be a better place than railway station to exhibit their talent. I think these artists are brilliant. That every single piece is a masterpiece in itself. It is an art revolution. It is definitely, it's like Renaissance. There couldn't have been a better Swachh Bharat Andolan ka ke liye first step. I think this is brilliant. Dirty railway station, though I had never been to Madhubani earlier, and I cannot even visualize what it was 1 year back, because it doesn't look like dirty at all. It looks very, very creative, very, very artistic, and very, very beautiful. मुझे बहुत खुशी है कि मधुबनी स्टेशन एक ओपन आर्ट गैलरी में कन्वर्ट हो चुका है और आज दूर दूर से भी लोग देखने आते हैं और मधुबनी के खुद के लोग जो अलग अलग देश विदेशों में बसे हुए जब यहाँ लौट के आते हैं उनका फीडबैक हम सुनते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है कि वास्तव में स्टेशन मधुबनी का सेंटर पॉइंट कहलाता है।